हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे करते हैं। तो ये हमारी पार्ट की तीसरी वीडियो है, यानी पार्ट थर्ड है हमारा। इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस किए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो वो भी जो पार्ट थे हमारे वो परसेंटेज पे ही बेस्ड थे, और उनमें जो क्वेश्चन थे वो हमारे प्रीवियस ईयर NTPC और ग्रुप डी के थे। तो इसमें भी हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो RRB ग्रुप डी 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि RRB ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत जवाब के लिए 2 अंक काट भी लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही थे। अब हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन थे हमारे 25। अब मान लीजिए अगर उसने एक क्वेश्चन जो सही किए तो गलत कितने किए होंगे, 25 माइनस एक्स। ये हमारा बेसिक मेथड है। अगले दो मेथड और भी हम आपको बताएंगे, वो ट्रिकी होंगे, उससे क्वेश्चन हमारा सेकंडो में रहेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन सही करने में 4 अंक दिए जाते हैं। यदि एक क्वेश्चन उसने सही किया तो 4 अंक दिए जाते हैं इसको, यदि गलत किया तो 2 अंक काट भी लिए जाते हैं हमारे, 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन के 4 अंक दिए जाते हैं, सही अब उसने एक्स किया तो कुल कितना हो जाएगा हमारा, 4x। अब ये देखिए अगर गलत किया ना, गलत क्वेश्चन हमारे इतने हैं तो कितना हो जाएगा, -2 × 25 माइनस एक्स, और टोटल अंक उसे कितने प्राप्त हुए, तो प्राप्त हुए 70। तो ये समीकरण हमारी बनी। यहां से आप लोग एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा एक्स जो आएगा भाई हमारे सही क्वेश्चनों की संख्या होगी, और 25 से अगर हम एक्स को घटा देंगे तो वह हमारे गलत प्रश्नों की संख्या होगी। इसमें हमसे सही क्वेश्चन पूछे हैं तो हमें एक्स का मान निकालना है। अब इसको हम एक्स का मान इससे निकालते हैं, 4x 50 माइनस माइनस प्लस प्लस 2x बराबर 70 आ गया हमारा, और 2 और 4 यानी 6x बराबर 70। इधर प्लस का है, ये माइनस का जब उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा हमारा, 6 × 12 यानी x बराबर जो आया हमारा 20 आ गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सही प्रश्नों की संख्या बताइए, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इसमें और भी हमसे पूछ सकता है, हमसे क्या पूछ सकता है कि हमें गलत प्रश्नों की संख्या बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, हमने बताया था अगर हमारा x सही है तो 25 माइनस x हमारे गलत प्रश्न है, तो 25 माइनस एक्स की जगह हमारा अपना मान रख देंगे यानी 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 5। ये हमारे गलत क्वेश्चन यानी रॉन्ग, और ये हमारे राइट। तो आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को अपने बेसिक मेथड से किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दो और मेथड जो कि हमारे ट्रिकी भी है। अब देखिए दूसरा मेथड, सेकेंड कुछ देर के लिए ज़ूम कर लिए, उसने सारे क्वेश्चन जो है वो सही कर दिए, यानी 25 क्वेश्चन थे यानी 25 सही कर दिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 अंक उसको मिलेंगे। और लेकिन रियलिटी में कितने हैं, रियलिटी में तो 70 ही अंक उसे प्राप्त हुए। तो आप देखिए यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा, अंतर आ रहा है 30 का। तो आप देखिए कि 30 जो नंबर कटे हैं वो हमारे क्वेश्चन गलत होने पर ही तो हमारे नंबर कटे हैं। यदि हमारे क्वेश्चन गलत ना होते तो हमारे 100 के 100 अंक हमें प्राप्त होते। अब हम लोग देखते हैं 30 अगर एक क्वेश्चन पे हमारा 2 अंक कट रहा है, अगर 30 का तुम्हें भाग नहीं आनी तो 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है और 2 नंबर काट लिए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे 100 माना था यानी सारे क्वेश्चन हमने सही माने थे, और 2 क्वेश्चन अंक एक गलत होने पर कट भी जाते हैं, माइनस 2 अंक कट भी जाते हैं। तो आप देखिए 4 और 2 6 यानी एक क्वेश्चन पे हमें 6 अंकों का लॉस हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ से हम 6 से भाग देंगे इसमें, यानी आ जाएगा हमारा 5, और यही हमारे जो 5 कौन से 5 क्या आएगा, हमारा 5 जो आएगा हमारे गलत प्रश्नों की संख्या, क्योंकि ये जो 30 अंक हमारे कटे थे वो हमारे प्रश्न गलत होने की वजह से कटे थे। तो आपने 6 का भाग दिया, हमारा आया 5, ये आ गए हमारे रॉन्ग क्वेश्चन। अब बताइए जब आपको पता है रॉन्ग क्वेश्चन हमारे 5 हैं और क्वेश्चन टोटल हमारे पास 25 हैं, अगर 25 से हम 5 घटा लें तो हमारे पास 20 आ जाएगा, तो यही हमारे प्रश्नों की संख्या होगी। तो देखा आपने सेकंड मेथड भी हमारा बहुत ही सिंपल है,
बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका थर्ड मेथड है हमारा एलिगेशन। जिन लोगों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा तो आगे आने वाले दिनों में हम एलिगेशन पढ़ाएंगे, लेकिन आप देखिए जैसे कि इसको एलिगेशन से कैसे करते हैं। चार जो है हमारा सही होने पर मिलता है और गलत होने पर हमारा दो कट जाता है। जो मिड में जो चीज रखी जाती है एलिगेशन वो एवरेज होता है क्वेश्चन का। ठीक, तो आप देखिए 70 अंक अगर उसने प्राप्त किए हैं और कितने क्वेश्चन किए तो 25 के, तो 25 बटे 70 नहीं हो जाएगा हमारा। अब आप यहाँ पे देखिए 25 सॉरी 70 बटे आप 25 करेंगे इसको। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में पूरे में 25 से गुणा करते हैं। 25 से आपने इसमें गुणा कर दिया तो पूरे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको, 25 चौक 100 आ गया हमारा, ये माइनस का 50 आ गया हमारा, ये 25 से 25 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 70। अब आप देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं कि आप इससे अगर घटाएंगे तो हमारा आएगा 30, अगर 70 से 50 घटाते हैं तो हमारा आएगा 120। देखिए 70 माइनस और माइनस 50, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, 70 प्लस 50 बराबर 120 हमारा आ जाएगा। अब देखिए कितना आया, ये रेशियो में आया। अब आप इसको बांटेंगे तो ये देखा 4 और 1, ये सही क्वेश्चन का रेशियो है, ये गलत का है। अब देखिए 4 और 1 का जो रेशियो आया है तो यहाँ पे सही प्रश्नों की संख्या हमारी हो जाएगी 4/5 में टोटल, और इतने क्वेश्चन हमारे दे रखे, क्वेश्चन दे रखे हैं 25 5 चौक 20, तो हमारे सही क्वेश्चन की संख्या 20 आ गई। तो आप लोगों ने देखा कि हमने तीन मेथड इस क्वेश्चन पे डिस्कस किए। तो सबसे पहले वाला जो मेथड था हमारा वो हमारा बेसिक मेथड था, तो आप लोग इन दो मेथड पे भी ज्यादा ज्यादा अभ्यास करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा लगता है, 2018 RRB ग्रुप डी में आया हुआ है, लेकिन अगर हम बस पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा पूर्णांक 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन क्रमशः 40, 30, 20 और 10 है। किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, व्यवहारिक परीक्षा में 70% और परियोजना कार्य में 60% और मौखिक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए, उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा। प्राप्तांक भी पूछ लेगा या फिर प्राप्तांक प्रतिशत पूछ लेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पूर्णांक है वो 100 है। अब विभाजन देखिए, पहला विषय हमारा क्या है, सैद्धांतिक परीक्षा, सैद्धांतिक में हमारा 40 है और ये क्या है व्यवहारिक परीक्षा हमारा 30 है, परियोजना कार्य हमारा 20 है और मौखिक कार्य हमारा 10 है। अब देखिए जो ये नंबरों का डिवाइडेशन है, अब देखते हैं कि सैद्धांतिक परीक्षा में उसने 40 में 80% प्राप्त किए और व्यवहारिक परीक्षा में इसने 70% प्राप्त किए, और जो तीसरा क्या हमारा परियोजना कार्य, परियोजना कार्य में इसने 60% प्राप्त किए, और जो हमारा ये चौथा है वो है मौखिक परीक्षा में इसने 50% प्राप्त किए। अब आप बताइए 40 का 80% यानी 40 × 80/100, 1 0 से हमारा 1 0, 1 0 से हमारा 1 0 यानी 8 और 32, तो इसमें कितने सैद्धांतिक परीक्षा में 32 अंक प्राप्त हुए। अब देखिए इसी तरह दूसरे में 70% लेना, 7 × 21 तो इसका 21 हो जाएगा, चौथे में हमको लेना 20%, 6 × 12 यानी 12 हो जाएगा, नहीं तीसरे में 12 हो जाएगा, चौथे में 5 × 10 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5, नहीं 5 का 10 में करेंगे 5 × 5। तो अब देखिए टोटल अंक कितने प्राप्त किए उसने, 32, 21, 12 और 5, ये टोटल करने पर हमें मिलेगा 70। तो 70 में उसने 100 अंक प्राप्त किए, लेकिन प्राप्तांक प्रतिशत पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे 70/100 क्योंकि 100 है हमारा पूर्णांक, गुणे 100 करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 70%, जो कि हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो विद्यार्थी ए और बी
किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती के अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है। अब देखिए, मान लीजिए टोटल 100 अंक थे हमारे किसी परीक्षा में। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनके अंकों का योग 55 था। अब देखिए, ए और बी दो थे स्टूडेंट हमारे, कह रहा अंकों का 55% था, 100 का 55 हमारा 55 आ जाएगा। अब देखिए, बी जो है वो ए से, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, यानी ए को मिले बी से, तो इसमें अगर 8 घटाते तो हमारे बी के अंकों की संख्या आ जाएगी, 55 से अगर 8 घटाते तो हमारा आएगा 45। तो यही हमारे अंकों का रेशियो आ गया। अब देखिए, 5 से इसमें भाग दीजिए, 11 पंजे 55 और 11 5 ने 45, तो रेशियो जो हमारा आया है 11 और 9, ये भी का रेशियो आया। अब देखिए, इसको हम 100 हमने एज्यूम जब करा था सबसे पहले, तो अब देखते हैं 11 बटे टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 20 बटे 20 गुणे 100, तो 20 पंजे 100। अब देखिए, 11 पन्ने 55, अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक के उनके अंकों का योगफल का 55% था और ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है, मतलब कौन कौन से ए ने और बी ने अंक प्राप्त किए। अब देखिए, दो विद्यार्थी हमारे ए और बी, मान लीजिए 100 अंक, 100 यानी पूर्णांक है इनका। अब देखते हैं हम लोग, अब 55% किए तो 100 का 55 कितना हो जाएगा, 55 ही हो जाएगा हमारा। तो अब क्या कहा कि ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, बी से 8 ज्यादा मिले, यानी ए से अगर 8 जाएंगे तो बी के अंक हमारे आ जाएंगे, 55 से अगर 8 हम लोग घटाते हैं तो हमारा आएगा 45। अब देखिए, ये हमारा रेशियो आ गया, हम लोग इसको हम 5 से काटेंगे 11, इसको काटेंगे तो 9, तो ये 11 और 9 का रेशियो आया। अब देखिए, ये रेशियो क्या कहता है कि ए को बी से 8 अंक ज्यादा मिले, तो क्या है इनमें कितने का अंतर है, 2 का, और यही तो हमारे 8 अंक हैं, 2 इनमें जो 2 ज्यादा है रेशियो में, वही कहता है कि ए को बी से 8 अंक ज्यादा मिले, 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 4, और कितना है हमारा ए का 11, तो 11 का 4 करेंगे, 11 चौक 44, और ये बी का कितना है हमारा, बी का हमारा 9, 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 चौक 36, तो ए के आए हमारे पास 44 और बी के अंक जो है हमारे पास 36। अब देख लीजिए, 8 का ही अंतर आ रहा है इसमें, है ना, तो अब देखते हैं 44 और 36 कौन से ऑप्शन में है, तो 44 और 36 हमारे तीसरे ऑप्शन में, तीसरे नहीं चौथे ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन में 44 और 36। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को हम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अपनी प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए, मतलब कितने क्वेश्चन गलत किए, सही ना देने का मतलब कितने क्वेश्चन गलत किए। अब देखिए, 3/4 अगर आप इसको भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, 25 चौकू 100 और 25 75, यानी 75% क्वेश्चन के उसने आंसर सही दिए। अब मैंने बताया तो 100% में जब परसेंटेज की बात होती है 100% पूर्ण होता है, तो आप 75 दे दिए तो कितना बचा इसमें 25, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 25% उसने गलत क्वेश्चन दिए या फिर सही उत्तर नहीं दिए, जो ऑप्शन में हमारा ए है। आप इसको दूसरे तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप हमें बताइए। भिन्न में एक पूर्ण होती है, अगर 3/4 के उन्होंने सही दिए तो 1 से अगर 3/4 घटा देंगे तो हमारे गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, यानी 1/4 आ गई। अब 1/4 मतलब गलत प्रश्नों की संख्या आ गई, तो
तो अब हम इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, हमने कहा था 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं, 25 चौक 100, तो इधर से भी आ जाता है, या फिर एक स्टेप बढ़ाना है तो आप उसको वहीं से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक टीम 45 मैच जीतती है तो खेले गए खेलों का 60 जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले, मतलब 45 मैच जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, 60% था कितना, 45 था, टीम ने खेले कितने खेल खेले आप बताइए, 60% जब 45 था तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45/60, 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 45/60 बुढ़े 100। अब इसको मिनिमाइज कर लीजिए, 15 × 45 15 × 60 4 25 × 100 अब 25 × 75 तो यानी 100% बराबर हमारा हो जाएगा 25 75, यही हमारे 75 जो आएगा, 75 हमारे खेल यानी टोटल खेले गए खेलों की संख्या 75 है। तो आप लोगों ने देखा हमने आज 5 क्वेश्चन लिए थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आए हुए थे। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।